हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपको मेरा टॉप 5 बेस्ट टूरिंग बाइक्स के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज बेस्ट बाइक्स फॉर लॉन्ग राइड्स। ठीक है, इसमें टॉप 5 में का जो लिस्ट है उसमें नंबर 5 में आता है TVS Ronin। TVS Ronin का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत यूनिक है और ये आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है या ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ये बाइक बहुत पोलराइजिंग भी है, बहुत लोगों को ये पसंद आ सकता है एंड लॉट ऑफ पीपल विल ऑल्सो हेट इट। तो दिस यूनिक पर्सनालिटी इस बाइक को एक बहुत अच्छा कैरेक्टर भी देता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको टेस्ट राइड करना है। इफ़ यू कैन रिलैक्स एंड सिट ऑन दिस बाइक, आप इसको राइड कर सकते हो इवन फॉर 5 मिनट्स, तो ये बाइक आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा ऑन हाईवेज। तो अगर टेस्ट राइड में आपको ऐसा लगा कि आप आराम से इस बाइक को चला पा रहे हो, आपको आपके बॉडी में कोई स्टिफनेस नहीं है, तो ये बाइक आप ज़रूर ले सकते हो और ये लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बट अगर आपके टेस्ट राइड में आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी का पॉस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है और आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है इस बाइक में, तो आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हो। इसके गुड पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो इंजन है वो एक स्क्वायर इंजन है, तो रिफाइनमेंट और स्मूथनेस के मामले में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है चलाने में, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जब पावर डिलीवरी चाहिए वो मिल जाता है। इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें लोअर एंड में पावर नहीं मिलता है और जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उनमें आपको टॉप एंड नहीं मिलता है। जो स्क्वायर इंजन्स होते हैं वो एक काफ़ी अच्छा बैलेंस आपको देते हैं, जहाँ पे आपको ठीक ठाक टॉप स्पीड भी देखने को मिलता है और आपको अबव एवरेज पुलिंग पावर देखने को मिलता है लोअर एंड। तो ये एक बहुत अच्छा बैलेंस प्रोड्यूस करता है एंड दिस इज़ अ सेंसिबल बाइक। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो आपके इंजन से, आपको स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये बाइक आपको एक्साइट नहीं करेगा, इनफैक्ट ये डिसअपॉइंट भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें, मॉडर्न फीचर्स, जैसे जो डिजिटल स्पीडोमीटर है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है, आपके फ़ोन के साथ भी कनेक्ट होता है और आपको LED एलिमेंट्स मिलते हैं इस बाइक पर और ये काफ़ी मॉडर्न भी लगता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। उसके साथ टूरिंग एक्सेसरीज भी है TVS की तरफ से, तो ये बाइक काफ़ी सेंसिबल है उनके लिए जो टूरिंग करना चाहते हैं। बट ड्यू टू द स्मॉल पिलियन, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, स्मॉल पिलियन सीट, उसके साथ जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ नॉट एक्साइटिंग, गोइंग टू प्लेस इट इन नंबर 5। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, द नंबर 4th बेस्ट टूरिंग बाइक हैज़ टू बी डोमिनार 400। अब आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा होगा ये, क्योंकि डोमिनार 400 जो मेरा टॉप 5 लिस्ट है उसमें सबसे पुराना बाइक है, बट डोमिनार 400 को मैं नंबर 4th में प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें और हाई स्पीड हैंडलिंग की बात करें तो डोमिनार फील्स वेरी रीअश्योरिंग एंड कम्फर्टेबल। जो इसका इंजन है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द KTM 390 इंजन और रीट्यून किया है इसको फॉर स्मूथर पावर डिलीवरी, तो ये बाइक जो है वो काफ़ी लेड बैक क्रूजर है और आपको अगर पावर चाहिए, इमीडिएट एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो भी आपको ये ऑफर करता है। टॉप स्पीड की बात करें तो आप पूरा दिन इसमें ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में क्रूज कर सकते हो, ये इसका सबसे अच्छा कैरेक्टर है। उसके साथ इस बाइक को जब आप चलाते हो आपको बिग बाइक का फील आता है, बाइक काफ़ी हैवी है, तो ये सेम चीज़ ट्रांसलेट होता है जब आप इसको हाईवे पर चलाते हो, काफ़ी कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग मोटरसाइकिल है। उसके साथ डोमिनार बहुत टाइम से मार्केट में है, तो स्पेयर पार्ट्स के इश्यूज़ नहीं होता है आपको और आपको ठीक ठाक रीसेल वैल्यू भी मिलता है, आपको मे बी ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलता है, मे बी एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है, बट अदर देन दैट दिस बाइक इज़ वेरी गुड। और अगर आप टूरिंग करना चाहते हो एटलीस्ट 70% या उसके ऊपर, तो आप ज़रूर डोमिनार की तरफ जा सकते हो इफ़ यू वॉन्ट दैट पावर राइडिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर आप टूरिंग भी करते हो बट उसके साथ आपको कभी कभी एक्सेलरेट करने पर इमीडिएट एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप ज़रूर इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ सरप्राइजिंग टू बी ऑन दिस लिस्ट, बट मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता था। नंबर 3 पे आता है CB350। सो एनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग मैं इसको सेकेंड या फर्स्ट में प्लेस करूँगा, बट CB350 हाईनेस बहुत सारे पॉइंट्स लूज करता है। उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि CB350 जो है वो बहुत ही बढ़िया एक्सेलरेशन स्टेबिलिटी ऑफर करता है और उसके साथ आपको अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे ड्यूअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और जो ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स है ड्यूअल चैनल ABS के साथ, वो बहुत अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी ऑफर करते हैं। उसके साथ आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स सेफ्टी के एस्पेक्ट को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी लगता है ये मोटरसाइकिल। ये भी आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करता है,
राइड इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आपको हैंडल बार में बटन्स मिलते हैं जिससे आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आपको नहीं मिलता है इन एनी रेट्रो लुकिंग बाइक। तो रेट्रो लुकिंग बाइक के साथ मॉडर्न फीचर्स मिलना इज़ ए ग्रेट थिंग, स्पेशली अगर आप क्रूज कर रहे हो हाईवे पे फॉर लॉन्गर टाइम्स। अगर हम क्रूजिंग की ही बात करते हैं और कंफर्ट की बात करते हैं तो इसका सीट जो है वो बहुत बढ़िया है, स्पेशली फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन। राइडर सीट और पिलियन सीट के कंफर्ट के लिए ये बहुत सारे पॉइंट्स गेन करता है। द अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल इज कि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मोटरसाइकिल है और इसका जो इंजन का एक्सेलरेशन और रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है, आपको अननेसेसरी वाइब्रेशन इसमें फील नहीं होता है। ऑब्वियसली ये स्मूथेस्ट इंजन नहीं है इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, बट इस इंजन को आप कोई भी दूसरे रेट्रो बाइक के साथ कंपेयर करोगे तो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द स्मूथेस्ट। ये पॉइंट लूज करता है ड्यू टू इट्स गियरिंग। इस मोटरसाइकिल का जो फिफ्थ गियर है उसमें आपको अच्छा खासा पावर नहीं मिलता है, आपको फोर्थ पे ही क्रूज करना होगा अगर आप 80-90 पे क्रूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 100 पे क्रूज करना चाहते हो एंड यू आर ऑन फिफ्थ गियर, अगर कहीं भी आपको ब्रेक लगाना है या आप खराब रास्तों पे चलाना है, आपको सडनली स्पीड ब्रेकर आ जाता है, देन यू विल हैव टू डाउनशिफ्ट एटलीस्ट टू थर्ड और फोर्थ। सो ड्यू टू दिस थोड़ा सा वो फटीग बिल्ड करने लगता है इन लॉन्ग राइड्स, दैट्स व्हाई इट लूजेस फ्यू पॉइंट्स। दैट इज द रीजन इसके ऊपर आता है क्लासिक 350 इन नंबर टू। क्लासिक 350 पॉइंट्स गेन करता है उसके इंजन के ट्रैक्टेबिलिटी के लिए। आप इस बाइक में हाई गियर लो स्पीड अचीव कर सकते हो, जो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी फीचर होता है और ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक होता है हाईवे में चलाने के लिए, और यहाँ पर क्लासिक 350 बहुत ही अच्छे तरह से स्कोर करता है। उसके साथ जो राइडर कंफर्ट है वो भी बढ़िया है और बहुत सारे पॉइंट्स गेन करता है ड्यू टू इट्स इमेंस एक्सेसरी सपोर्ट। अगर आप टूरिंग करते हो तो एक्सेसरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आफ्टर मार्केट में जब आप जाते हो तो क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होता, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी हमें वो उस तरह का सपोर्ट दे, और रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट देता है। इस मामले में रॉयल एनफील्ड बहुत बढ़िया है, इसलिए वो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे गेन करता है। द पॉइंट जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रॉयल एनफील्ड कुड हैव बीन बेटर ये है कि इसका जो इंजन का एक्सेलरेशन है इट डज नॉट फील द बेस्ट, और वाइब्रेशंस की अगर बात करें इट इज़ नॉट द स्मूथेस्ट इंजन अराउंड, इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, बट इसके सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो लूज़ करता है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में, और आई थिंक हाईवे के लिए ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप क्लासिक 350 लेना चाहते हो हाईवे में चलाने के लिए प्लीज़ गो फॉर द ड्यूअल चैनल ABS मॉडल ओनली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इट ऑल्सो लूजेस फ्यू पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। आई थिंक CV350 एक बेटर वैल्यू प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, विच इज़ आई थिंक नॉट वेरी गुड। अभी क्लासिक 350 से बेटर मोटरसाइकिल है मीटियोर 350, और ये है मेरा नंबर वन टूरिंग बाइक। अगर आपका बजट अराउंड क्लोज टू 3 lakhs है, देर इज़ नथिंग दैट कम्स टू मीटियोर 350 इन टर्म्स ऑफ टूरिंग। अभी इसके क्लासिक 350 के जो गुड पॉइंट्स है वो इसको ज़रूर मैच करता है। इन एडिशन टू दैट इसका सीट बहुत कंफर्टेबल है एंड आप इसमें पूरा दिन क्रूज कर सकते हो। उसके साथ आपको लो राइडर सीट का ऑप्शन मिलता है, एक्सेसरी सपोर्ट बढ़िया है, ये टूरिंग के लिए बना है तो टूरिंग स्पेसिफिक एक्सेसरीज आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। इसका जो हैंडल बार का पोजिशन है और राइडर जो सीट है और जिस तरह से आपका फुट पोजिशन है, ये सारी चीज़ों को आप ऐड करते हो तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है हाईवे पे। इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से काम करता है, खराब रास्तों पर लो स्पीड पे आप इसको आराम से चला सकते हो, हैंडल कर सकते हो। उसके साथ जो कंफर्ट लेवल्स है, जो बाइक का रोड प्रेजेंस है, इट्स ऑल वेरी गुड। तो ओनली पॉइंट वेयर आई फील कि मीटियोर बेटर हो सकता था वो है इसके ब्रेक्स। ये कॉमन इशू है रॉयल एनफील्ड के क्लासिक और मीटियोर में, और मे बी पिलियन कंफर्ट भी थोड़ा बेटर हो सकता था, बट द प्राइसिंग ऑन दिस बाइक इज़ गुड, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट। आई थिंक ये बेस्ट मोटरसाइकिल है, क्योंकि अभी आपको एवेंजर 220 भी नहीं मिलता है, सो दिस इज़ द ओनली प्रॉपर क्रूजर बाइक अगर आप 3 lakh के अंदर एक बाइक लेना चाहते हो। कलर ऑप्शंस भी बढ़िया है। अगर आपको लगता है मेरा लिस्ट गलत है और आपको लगता है कि इसका जो लिस्ट और रैंकिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपका टॉप 5 लिस्ट क्या है कमेंट सेक्शन में, इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा जो लाइव सेशन होता है फ्राइडे सैटरडे 10 बजे, प्लीज़ ज्वाइन मी देयर विदाउट फेल। वहाँ पर मिलूंगा आपसे। ऑलवेज टेक केयर, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।